आज मैं आप सबों को बताने के लिए जा रहा हूं कि हम जीएसटी में पेमेंट कैसे करेंगे। जीएसटी में पेमेंट करने के लिए तो सबसे पहले हम अपने जीएसटी के पोर्टल gst.gov.in पे जा करके हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे सामने में इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड पे हमारे पास नीचे में नेविगेशनल 3 टैब्स दिए हुए हैं। एक है रिटर्न डैशबोर्ड, दूसरा है क्रिएट चलान, तीसरा है व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर। हम पेमेंट करने के लिए क्रिएट चलान पे जा करके हम चलान को क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसा ये स्क्रीन होगा। हम क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद में हमारे पास में ये वाला स्क्रीन ओपन हुआ है। इस स्क्रीन पे हमारे पास में ऊपर में 3 टैब हैं, एक क्रिएट चलान है, दूसरा सेव्ड चलान है और तीसरा चलान हिस्ट्री है। क्रिएट चलान में हम चलान को क्रिएट करते हैं, सेव्ड चलान में हम देख सकते हैं कि किन किन चलान्स को हमने बनाया हुआ है और सेव किया हुआ है ताकि हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें, और चलान हिस्ट्री में हमारे पास में चलान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू या हम सर्च बाई डेट के थ्रू चलान हिस्ट्री को हम चेक कर सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली वापस से डैशबोर्ड पे आ जाइए, और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये सर्विसेज दिख रहा है, हमारी सारी सर्विसेज, हमारे सारे वर्क्स जो भी पोर्टल पे होंगे सर्विसेज के थ्रू होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो लेजर्स के हों, चाहे वो रिटर्न्स के हों, चाहे वो पेमेंट के हों। तो हम चलान क्रिएट करने के लिए पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे। पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद में हम क्रिएट चलान का ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्रिएट चलान का ऑप्शन चूज़ करने के बाद देखिए हम फिर से वापस से उसी स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे CGST है, IGST है, सेस है एंड SGST है। चूंकि मैं दिल्ली में हूँ इसलिए दिल्ली SGST है। अगर मैं यूनियन टेरीटरी में होता तो SGST की जगह पर ये UTGST होता। और यहाँ पर टोटल चलान अमाउंट है, यहाँ पर टोटल चलान अमाउंट है। आइए हम यहाँ पे CGST सपोज कीजिए कि हम 500 रुपीज़ डाल के देखते हैं। इंटरेस्ट हमारा निल है, पेनाल्टी हमारा निल है, क्योंकि हम टाइम पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी फ़ीस कोई नहीं है, अदर भी कोई चार्जेस नहीं है हमारे पास में। सपोज़ कीजिए IGST हम 800 को डालते हैं, उसी तरीके से इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, अदर्स, टोटल्स कुछ नहीं है। सेस को मान लीजिए हमारे पास 0 है, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से SGST नॉर्मली CGST के बराबर ही होता है, इसलिए मान लीजिए SGST भी 500 है हमारे पास में। तो टोटल फिगर्स हमारे पास में हो चुके हैं 1800 रुपये। 1800 रुपये हमें पेमेंट करना है, और उस पेमेंट को करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ई पेमेंट का ऑप्शन है, ओवर द काउंटर का ऑप्शन है, NEFT एंड RTGS का भी ऑप्शन है। हम यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। आइए हम सेव करके देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, चलान सक्सेसफुली सेव्ड, योर रेफरेंस नंबर इज़ दिस। अब हम सेव चलान के टैब पे जाते हैं और देखते हैं हमारा चलान नंबर सेम रेफरेंस नंबर से किस डेट को सेव हुआ और कितने अमाउंट का सेव हुआ, ये दिया हुआ है हमारे पास में। हम इसे वापस से एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हम एडिट करके देखते हैं। एडिट करके देखते हैं, हमारे पास में सेम इन्फॉर्मेशन आ जाता है जो इन्फॉर्मेशन हमें पेमेंट करना था। अब यहाँ पे जनरेट चलान का ऑप्शन है जो कि अभी डिसेबल्ड है क्योंकि हमने पेमेंट का ऑप्शन चूज़ नहीं कर रखा है। आइए हम फिलहाल के लिए ई पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि GST के पोर्टल के थ्रू ही होगा। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते के साथ ये चेक मार्क बन गया और यहाँ पे जनरेट चलान का ऑप्शन क्रिएट हो गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा चलान जनरेट हो जाता है और हमारे पास में वो सारे इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल रखा होता है, जैसे हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप चलान को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप चलान को डाउनलोड करते हैं तब आपके पास में ये वाला स्क्रीन खुल के आता है। इस वाले स्क्रीन पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाते हैं जो आप वहाँ पे वेबसाइट पे डाले हुए होते हैं, और CGST का अमाउंट, IGST का अमाउंट, सब टोटल अमाउंट एंड SGST का अमाउंट, टोटल मिला के जितना भी अमाउंट बनता है वो आ जाता है। और ई पेमेंट पे हमारा टिक लगा हुआ क्योंकि हमने ई पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करा था वहाँ पे। इसका हम प्रिंट आउट ले करके रख सकते हैं, और अगर हमने ओवर द काउंटर का टिक लगाया होता
या NFT RTGS का टिक लगाया होता तो हम सिलेक्टेड बैंक में जा कर के इसके थ्रू पेमेंट कर सकते थे। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल ऑप्शन था हमारा पेमेंट का कि GST में हम पेमेंट कैसे करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।